एडीजीपी कार्यालय पर खड़े ये लोग थाना जगदीशपुरा के गली नंबर 2 के बाशिंदे हैं और अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर आज यहां आए हैं। इन क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के ही दबंग लोगों द्वारा इनके साथ गंभीर मारपीट की गई है, जिसकी सूचना थाने में भी दी गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। पीड़ित महिलाएं बताती हैं कि विपक्षी लोग आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी करते हैं और विरोध करने पर मारपीट कर दी जाती है। इससे पीड़ित पक्ष और इलाकाई लोग भयभीत हैं और इसकी बड़ी संख्या में शिकायत करने के लिए आज यहां आए हैं। इतनी छेड़खानी करते हैं इन लोगों ने, हमारा जीना दुश्वार कर दिया है सर, और हम अपने निकलने बैठने के लिए हम परेशान हुए हैं। इतनी छेड़खानी करते हैं, हिंदू मुसलमान सबके साथ ही करते हैं। अभी इसके भाई की शादी थी सर, जो निकल के गई थी, आ जा रही थे तो हमें इसको छेड़ा था। इसने इसने अपने आदमी से इसके आदमी ने बोला था कि सर मोदी का जमा भाई मोदी का टाइम है, सरकार मोदी की है, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, तो बोला कि ऐसी तैसी मोदी की। और सर क्या नाम है, जाके हमारा इसका आदमी सब लगा के घर पे बैठ गया, इंगल सरिये चुड़िया चाकू सब निकाल निकाल के घर पे जाके मारपीट करी थी सर। और हम ये धमकी दे रहे हैं कि हम बिल्कुल जान से मार देंगे तुम्हारे लड़के बच्चों को सर, 2 दिन से हमें जेल काट चुके हैं सर, ये हमारा जीना दुश्वार कर दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल हमें जीने नहीं दे रहे जी, और मानने मराने के लिए आज रात को भी धमकी दी है कि हम मार कहना चाह रहा है कि मतलब छेड़ाखानी बहुत करते हैं, आदमी को इतना बुरा मारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कैसे पाले हैं, करिए क्या है, कुछ नहीं है। थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं, थाने में कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, थानेदार भी कहते हैं घर जाकर बैठो, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, क्या नहीं है, कहीं दुपट्टा खेल देते हैं, कहीं सीटी मारते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ है, लड़की बच्चियां सब परेशान है, उन लोगों से गाली गलौज करते हैं ज्यादा, कोई लड़की अगर परेड की आवाज भी दे देती क्या बदतमीजी है तो माँ बहन पलाने लगते हैं, और अकेला ये कहते हैं तेरे भाई को मार डालूंगा, तेरे चाचा को मार डालूंगा, और आदमियों को ये मेरे देवर है इनको मारा, ये मेरी दो बहनें सरिया ले लेके नहीं, इसके आदमी को तो बहुत ही घायल हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पल्स हॉस्पिटल में आदमी पहुँचाए मारने के लिए, पल्स हॉस्पिटल सर हम यहाँ एडीजी के साथ यहाँ आए हैं, हमारी भाभी निकल के जा रही थी तो उन्होंने छेड़खानी उनके साथ की थी, उससे पहले भी और लोगों के साथ कर चुके हैं, मुस्लिम सभी के साथ करते हैं, तो अब उन्होंने हमारे भाई से बड़े वाले से जाकर बोला तो वो निकल के आए तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, वो घर की तरफ भागे तो घर की तरफ उनके पीछे भागते हुए घर में घुस गए मारते हुए। फिर अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि आपको इंसाफ मिलेगा, हमें बुलाया है उन्होंने कल। एडीजीपी कार्यालय में अपनी फरियाद सुनाने के बाद पीड़ित पक्ष ने बताया कि थाने से जानकारी तलब करते हुए मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है।